हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो बन बनाना बताया है तो उसके लिए सिंपली मैंने यहाँ पे एक पोनी बना ली है। और पोनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मोटे वाले रबर बैंड का यूज़ किया है। तो आप भी यहाँ पे मोटे वाले रबर बैंड का यूज़ करो, नहीं है अगर तो दो रबर बैंड यहाँ लगा सकते हो। उसके बाद मैंने हेयर को ऊपर करके और इस तरह से मैंने एक स्टिक जो कि बन स्टिक होती है तो उसको मैंने लगा दिया है। अगेन बालों को नीचे की साइड गिराया है, अच्छे से कोम करके मैनेज किया है और नीचे मैंने रबर बैंड लगा दिया है। रबर बैंड लगाने के बाद उसको सिक्योर एंड टाइट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक यू पिन लगा दी है। उसके बाद जो नीचे बचे हुए हेयर है उसको सिंपली मैंने यहाँ पे टू पार्ट में डिवाइड किया है। डिवाइड करके अगेन एक पार्ट को टू पार्ट में डिवाइड करके इस तरह से ट्विस्ट कर लिया है एकदम लास्ट तक। तो इस तरह से लास्ट तक करने के बाद फिर सिंपली ऊपर के साइड ले जाकर जहाँ भी हेयर का एंड है वहाँ पे अंदर इंसर्ट करा है और यू पिन या बबल पिन की हेल्प से सिक्योर कर देना। सेम प्रोसीजर दूसरे साइड भी कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हमारा बन जो है बन के रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ईजी एंड सेल्फ है। तो ये देखिए, इस तरह से बन गया है बिना डोनट बन के यूज़ के। यहाँ पे कितना अच्छा सा, कितना बड़ा सा बन बन के रेडी हो गया है। डेकोरेट आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसी तरह से सेकंड बन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सेम पोनी बनाई है, उसमें मैंने डोनट बन को इंसर्ट कर दिया है। तो ये वाला जो हेयर स्टाइल है सेम जैसे आपने पहले बनाया था, अभी आपने देखा है सेम उसी प्रोसेस से बनेगा। और बट ये हेयर स्टाइल मैं आपको सेकेंड टाइम इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने इसको एक डमी पे बनाया था तो उसमें बहुत से कमेंट आई थी कि ये हेयर स्टाइल डमी पे बना है तो अच्छा लग रहा है, बन गया है, बट अपने हेयर में नहीं बनेगा, यानी कि सेल्फ नहीं बना सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको सेल्फ बना के दिखा रही हूँ, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप इसको सेल्फ भी बना सकते हो। तो बस आप देख सकते हो सेम प्रोसीजर पहले वाले हेयर स्टाइल का ही है। बस यहाँ पे मैंने जो साइड का हेयर है जो आप अभी मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसको यू पिन से टाइट करने के बाद जो साइड वाला हेयर है उसको मैंने यहाँ पे टू पार्ट में डिवाइड करके ट्विस्ट नहीं किया है। सिंपली मैंने इसको ऊपर की साइड ले जा करके एंड वाले हेयर को अंदर के साइड इंसर्ट करके यू पिन की हेल्प से टाइट कर दिया है। तो है ना बिल्कुल सेम प्रोसीजर। तो आई होप कि दोनों हेयर स्टाइल आपको पसंद आई होगी, सिंपल एंड इजी भी लगी होगी। तो अगर लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इस तरह के इजी एंड यूनिक हेयर स्टाइल आपको मेरे चैनल पर देखने को हमेशा मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।